हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर। तो फिर आज हम भी बात करेंगे फिर ओवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2022 लेटेस्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो फिर इसमें बात करेंगे न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैकलॉग सबका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गैप परसेंटेज क्राइटेरिया। तो फिर सबसे पहले हम लोग पहले वाले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले बता दूं, अभी जो ऊबर का फर्स्ट राउंड हो रहा है वो फ्रेंड आपका कोडिंग राउंड हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को चार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 1 आवर का, बहुत सारे कैंडिडेट्स को 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 70 मिनट्स का। तो ये फ्रेंड ये देखो, ये जो ऊबर का जो एग्जाम जो कोडिंग क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। किसी को 4 क्वेश्चन आए, किसी को 3 क्वेश्चन आए हैं, किसी को 5 क्वेश्चन, हाँ एक दो बच्चे को 5 क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है उनके ऊपर में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको 3 से प्लस ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, या फिर अभी आपका राउंड 2 है, राउंड 1 है, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4, टोटल 4 राउंड में होने वाले, जो मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊंगा, वीडियो का प्रिंट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। परसेंटेज क्राइटेरिया की फ्रेंड बात करें तो फ्रेंड आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो फ्रेंड आपका 60% से अबव होना चाहिए, ठीक है। और हाउ मेनी आप सब देख लेते हैं सिलेबस फॉर ऊबर एसी राउंड 1। तो फ्रेंड बता दूं, ऊबर का जो राउंड 1 का जो सिलेबस है फ्रेंड सिंपल है, आपका कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उसमें से आपको आगे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, सारे के सारे एल्गोरिदम बेस्ड हैं, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी कोड्स वी हैव टू कंप्लीट टू क्वालिफाई द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऊबर। तो फिर बता दूं फ्रेंड, आपको अगर 3 कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आपको ऑलमोस्ट 2 कोडिंग क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आपको 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 4 में 2 आपको सही होने ही चाहिए। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स 2 क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 वो लोग कर देंगे, तो आप लोग ट्राई करना ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। और टेस्ट केस का बात करें फ्रेंड तो टेस्ट केस आपका सभी के सभी रन करने चाहिए, ठीक है। टोटल राउंड एलिमिनेशन राउंड, तो बता दो फ्रेंड इनके टोटल 4 राउंड होने वाले हैं, 4 के 4 राउंड जो है वो आपके एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है। अगर आप राउंड 1 में क्वालिफाई नहीं करते तो आपको रिजेक्शन मेल, आई थिंक ऊबर कंपनीज हाँ रिजेक्शन मेल नहीं सेंड करती। अगर कुछ भी ऐसा अपडेट होगा फ्रेंड सिलेक्शन रिजेक्शन का तो मैं आप लोगों को जल्दी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी जो ऊबर का एग्जाम चलने वाला है, बहुत लोगों का आज था, बहुत लोगों का कल है, बहुत लोगों का परसों है, तो ये एग्जाम अभी चलेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा वंस दे हैव दे आर गोइंग टू रिलीज, ओके मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पूछते सर टेस्ट वैलिडिटी का ओवर एरर आ रहा है। देखो अगर आप लोग का इस तरह का एरर आ रहा है ना तो आप लोग काम कर सकते हो। देखो बहुत लोग एक साथ में कोड सिग्नल को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग, ओके। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग सिंपल से आप लोग उस जब ओपन कर रहे हो ना उसको फिर से कट कर दो, फिर से ओपन करो, ठीक है। फिर से आपका आता है तो फिर से कट करो, फिर से ओपन करो, कहीं पर भी किसी को मेल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मेल में पहले से ही मेंशन कर रखा था इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग ओपनिंग योर असेसमेंट लिंक देन ट्राई टू क्लोज एंड देन ओपन इट अगेन, ठीक है। आप लोग अपना पहला वाला जो मेल आया होगा ना उसे पढ़ लीजिए, उसमें मेंशन किया हुआ है सेक्शन कट ऑफ इन टेस्ट केसेस। फिर आपका टेस्ट केस जो है फिर आपका सभी के सभी टेस्ट केस पास होने चाहिए, ठीक है। आप लोग का एक कोड रन कर रहे हो सभी के सभी टेस्ट केस पास होने चाहिए, दूसरा क्वेश्चन रन कर रहे हो सभी के सभी टेस्ट केस पास होने चाहिए, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट राउंड 1 आप नेक्स्ट राउंड आपका राउंड क्या होने वाला है, व्हेन रिजल्ट आउट, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसका सेशन रिजल्ट होगा वो अभी टाइम में आउट होने में, जब सभी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आपके 7 to 8 डेज के अंदर में इसका रिजल्ट जो है आउट हो जाएगा, मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं राउंड्स को लेकर, ठीक है, और प्रिपरेशन को लेकर। तो फिर पहले बात करें फिर आपको टोटल 4 राउंड होने वाले, ईच राउंड ऑफ वाज एन एलिमिनेशन राउंड। राउंड 1 आपका फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, आपका हुआ था कोड सिग्नल प्लेटफॉर्म पर 60 to 70 मिनट, किसी का 60 मिनट, किसी का 75, किसी का 70 मिनट्स हो रहा है, ठीक है। द कट ऑफ नीडेड टू क्लियर द राउंड इज 65%, ठीक है। राउंड 2 आपका टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, और टेक्निकल इंटरव्यू भी हो सकता है, आपका टेक्निकल कोडिंग राउंड भी हो सकता है, ये डिपेंड्स करता है, बट कोडिंग राउंड नहीं होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सम क्वेश्चन रिलेटेड टू ओप्स नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग वगैरह पढ़ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है। आप लोगों को यूट्यूब में मुझे एक चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, वो काफ़ी अच्छा, मतलब वो यूबर के आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उनका डिस्कशन और थ्रेसिंग TCP एंड UDP, हाउ वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल पेजेस फॉल्ट, एक्सप्लेन द लेयर ऑफ द OSI मॉडल विद देयर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ OS एंड नेटवर्किंग। इसके बाद आपका होगा फिर आपके पास, देखो आफ्टर दिस द इंटरव्यू विल स्विच टू द कोडिंग पार्ट एंड आस्क 2 कोडिंग क्वेश्चन। तो फिर आपका टेक्निकल राउंड में भी आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो फ्रेंड ऊबर का जो राउंड हो रहा है वो बेसिकली आपका कोडिंग राउंड ही हो रहा है, तो उसमें कोडिंग तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। राउंड 3 का फ्रेंड बात करें, आप राउंड 3 में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाला है, जो आपका 45 to 60 मिनट हो सकता है। मे बी वो लोग इस बार ये इनको हटा दे, बट आई थिंक वो हटाएंगे नहीं, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इन दिस राउंड
गिवन ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व, ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द अप्रोच एंड डिड नॉट आस्क टू कोड. बस आपसे अप्रोच पूछेंगे. क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर 561, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री विद दिस इनपुट इन द सेम ऑर्डर, वी विल हैव 5 एज अ रूट, 6 एज अ राइट चाइल्ड एंड 1 एज अ लेफ्ट चाइल्ड. ठीक है, तो चाइल्ड वगैरह का बीएसटी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं. ठीक है, नाउ इफ इफ आवर इनपुट इज चेंज टू 516, आवर बी एस टी स्ट्रक्चर विल बी आइडेंटिकल. सो गिवेन एन एरे ऑफ इंटीजर, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द इनपुट एरे दैट रिजल्ट इन द आइडेंटिकल बी एस टी एज बी एस टी इनफॉर्म्ड ऑन द फॉर्म्ड ऑन द ओरिजिनल एरे ऑर्डर. द इंटरव्यूअर आस्क क्वाइट फ्रेंडली एंड प्रोवाइडेड द विच विल हेल्प मी टू अप्रोच द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ठीक है, तो फिर आफ्टर दिस आफ्टर ही वॉज सेटिसफाइड विद माई सोल्यूशन, ही आस्ड इफ आई हैव एनी क्वेश्चन फॉर हिम. आई आस्ड हिम वाई एक्बर डजेंट लाइक अगला आप लोग आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है. राउंड फोर आपका होने वाला फिर एच आर प्लस सिस्टम डिजाइन प्लस प्रोजेक्ट 80 to 90 minutes. तो फिर यहाँ पर सिस्टम डिजाइन पर ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, और प्रोजेक्ट द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी टू अप्रोच अ सोल्यूशन फॉर माई सोर्स अक्यूरेसी मैनेजमेंट वगैरह. देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके. और फिर आप लोगों को यहाँ पर आपके पास बेसिकली आपका प्रोजेक्ट आपने क्या कर रखा होगा, कि क्या मिनी प्रोजेक्ट आपको आप एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट को बता दूँ मैं फिर, आपका कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा. व्हाट आर द डिजाइन पैटर्न एंड व्हाई वी यूज देम, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम, डिस्कशन एंड डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन. विच इज बेटर टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नॉर्मलाइजेशन और डी नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, लेट से यू आर अ लीडर ऑफ ए प्रोजेक्ट टीम. ठीक है, लेट यू आर लीडर ऑफ प्रोजेक्ट टीम, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग योर टीम मेट इन चूजिंग अ डिजाइन पैटर्न फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. ऑल इज अप्रोचिंग अ डिफरेंट डिजाइन पैटर्न, हाउ यू डू रिजॉल्व द सिचुएशन, वाट यू डू वैन यू कॉन्ट फाइंड द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन द कंटेक्स्ट प्रोजेक्ट. ओके, तो फिर आई थिंक मैंने आपको इसमें प्रिपरेशन का लेकर मैंने बता दिया पर अच्छे तरीके से, मैंने राउंड वन से लेकर राउंड फोर तक मैंने सब कुछ बता दिया. फिर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट मतलब आप लोग मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो. फिर उम्मीद करता वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी. फ्रेंड अच्छे लोग लाइक कीजिए, फ्रेंड शेयर कीजिए, मिलते हैं आपको स्टूडियो में. जय हिंद, जय भारत.